हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज एक बार फिर मैं ह्यूमन राइट्स से संबंधित यहाँ पे बातचीत करने जा रहा हूँ। हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में ह्यूमन राइट्स और वंचित तबकात के बारे में बात की, हमने आदिवासियों के बारे में बात की, हमने दलितों के बारे में बात की, हमने महिलाओं के बारे में बात की, हम लोगों ने अन्य विभिन्न जो महकूम तबकात थे उसके बारे में बात की। लेकिन एक बात जरा आपने कभी सोचा है कि जो ह्यूमन राइट्स के जो पहरेदार हैं, जो उसके संतरी हैं, जो अपने आप को पासवा कहते हैं, उसके ह्यूमन राइट्स जो डिफेंडर हैं, उनके ऊपर किस तरह का हमला हो रहा है, उनके ऊपर किस तरह से स्टेट का दमन हो रहा है। यानी जो जिनका काम है कि गरीब लोगों को, मजलूम लोगों को, आदिवासियों के न्याय के लिए खड़ा होना, उन्हीं को सबसे ज्यादा चुप कराने के लिए, खामोश करने की भी साजिश चल रही है। और अगर ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में अगर किसी भी व्यक्ति का नाम, अगर हिंदुस्तान में अगर दो चार लोगों का नाम अगर सबसे पहले आता है, तो उसमें हिमांशु जी हैं। हिमांशु जी छत्तीसगढ़, जो कि आपको मध्य भारत में है, वहां पे आदिवासियों के बीच में रहते हुए दांतेवाड़ा में उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया और वहां पे वो 20 सालों तक, तकरीबन 2 दहाई तक वो आदिवासियों के बीच में काम करते रहे। उनकी स्वास्थ्य के लिए उन्होंने काम किया, महिलाओं को इम्पावर करने के लिए उन्होंने काम किया, और भी बहुत सारे काम किए जो हम और आप नहीं जानते। हिमांशु जी का की जो विचारधारा है वो गांधीवादी विचारधारा है, वो अपने आप को गांधीवादी कहते हैं। और आज एक तस्वीर भी आज उनकी मुझे दिख गई कि जहां पे वो चरखा चला रहे हैं, तो ये चरखा चलाने वाले गांधी जी के एक जो 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 अनुयायी है, जो उनके एक शिष्य हैं, जिन्होंने भारत के लोकतंत्र में वंचित तबकों के लिए न्याय की बात की, उन्होंने रास्ता जो अपना अख्तियार किया वो अहिंसा का रास्ता अख्तियार किया, और भारत के संविधान और भारत के कानून को उन्होंने हथियार बना के वंचित तबके के साथ खड़े हुए, और 20 सालों तक वो मेहनत करते रहे, ये कोशिश करते रहे। लेकिन आपको पता है उनके साथ क्या हुआ? 20 साल तक जब उन्होंने मेहनत की और जब कोशिश की, तो ये जो राज्य है, जो स्टेट है, उसने 2009 में इनका जो आश्रम था छत्तीसगढ़ में, उसको बुलडोजर से उसको गिरा दिया, और वहां पे तकरीबन 250 लोग जो थे उस आश्रम से जुड़े हुए थे और आदिवासियों के बीच में काम कर रहे थे। और हिमांशु जी को देखिए कि वो वहां की जो जो आदिवासियों की जो मकामी जबान है गोंडी, उसको भी ये सीख चुके थे और उसी जबान में वो लोगों से बातचीत करते थे। मैं भी कुछ बच्चों को उर्दू पढ़ाता हूँ, लेकिन ये उर्दू सीख ही नहीं पाते हैं। तो ये हिमांशु जी के अंदर में आप देख सकते हैं कितना लगन था कि इन्होंने न सिर्फ आदिवासियों के बीच में रहे हैं, बल्कि उनकी भाषा सीखी, दवाइयां, शिक्षा, इंपावरमेंट की बात की। और जब उनके ऊपर पुलिसिया दमन हुआ, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि तुम बंदूक उठा लो और लाठी उठा लो, इन्होंने कानून का सहारा लिया, कानून की मदद ली, और ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और इन्होंने फेक इनकाउंटर को लेके फाइल केस की, केस फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। और माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिसकी दुहाई देने के लिए सब लोग आगे आ जाते हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग, उसी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी फेक इनकाउंटर हैं सबकी जांच होनी चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए जो लोग भी बेकसूर लोग इस पूरे तंत्र में उनको, जिनको शिकार बनाया गया है। ये काम करने वाले जो हिमांशु जी थे, इनको इनको शाबाशी देने के लिए, इनकी पजिराई करने के बजाय उल्टा इनके घर को तोड़ दिया गया और इनके ऊपर 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर दी गई है, और एक गांधीवादी को कहा जा रहा है कि वो देशद्रोही है, एंटी नेशनल है। एक गांधीवादी, महात्मा गांधी का एक जो मानने वाला व्यक्ति इस देश का है, उसको देशद्रोही कहा जा रहा है। इसी से आपको एहसास हो गया होगा कि देश के अंदर में ह्यूमन राइट्स की क्या कंडीशंस है। आप सब लोगों की तरफ से मैं हिमांशु जी का अभिनंदन करता हूं, और मैं मेरे जैसे एक छोटे से पत्रकार या फिर रिसर्च स्कॉलर से बात करने के लिए हिमांशु जी तैयार हुए, इसके लिए मैं दिल की गहराई से आपका स्वागत करता हूं। जी सर,
नमस्कार अभय भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। तो सवाल आपसे बहुत हम पूछेंगे, बहुत सारे सवालात हमारे ऊपर हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल हम आपसे पूछेंगे सर कि ये आप कैसे, आपका जो सफर है वो कैसे आदिवासी के इलाकों में आपका सफर वहां पहुंचता है, कैसे आदिवासी के मसले को लेके आपके दिल में दर्द पैदा होना शुरू हुआ, क्योंकि आदिवासी को आज भी हमारा समाज जो है बराबर का इंसान नहीं समझता है। कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताइए, कहाँ आप पैदा हुए, कहाँ आपने पढ़ाई की, और कैसे आपका सफर जो है वो दांतेवाड़ा तक पहुंच जाता है। जी जी मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, मुजफ्फरनगर में, और मेरे पिताजी आजादी के आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पिताजी ने मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर आग लगाई और फरार हो गए। गांधी जी को उन्होंने पत्र लिखे, गांधी जी ने उनको अपने आश्रम में बुला लिया सेवाग्राम में, और पिताजी को उन्होंने जो नई तालीम का काम था उसमें लगाया। गांधी जी कहते थे कि जैसे आजाद भारत में अंग्रेजों का झंडा नहीं चल सकता, उसी तरह से आजाद भारत में अंग्रेजों की तालीम भी नहीं चलेगी, शिक्षा भी नहीं चलेगी। आजाद भारत में हमारी अपनी तालीम होनी चाहिए, जो सिर्फ दिमाग की नहीं बल्कि शरीर की भी शिक्षण हो, जिसमें और बच्चा श्रम के साथ शिक्षण ले। ये गांधी जी का एक तरीका था सोचने का, तो पिताजी को उसमें लगाया। उसके बाद पिताजी विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको सीलिंग की जमीन बांटने का काम सौंपा और उनको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया। पिताजी ने 20 लाख एकड़ जमीन बांटी भूमिहीनों में और खुद भूमिहीन रहे। मृत्यु तक उनके पास कोई जमीन, कोई मकान, कोई बैंक बैलेंस नहीं रहा, और अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने हमें कह दिया था कि मेरे शव को का दाह संस्कार मत करना, बल्कि इसे मेडिकल कॉलेज में दान दे देना। तो उनकी मृत्यु के 2 घंटे के अंदर हम उनकी शव को मेडिकल कॉलेज ले गए और वहां उनकी दोनों आंखें निकाल कर 24 घंटे के अंदर 2 लोगों को दे दी गई, और पिताजी के का हमने कोई अंतिम संस्कार नहीं किया, मेडिकल कॉलेज को उनका शव दे दिया। तो इस तरीके का एक सोच थी। और पिताजी कहा करते थे कि अगर भारत को सही दिशा में ले जाना है और भारत की लोकतंत्र को गुंडों का लोकतंत्र बनने से बचाना है, तो नौजवानों को गांव में जाके काम करना चाहिए। तो ये मन में था कि हम लोग गांव में जाकर काम करेंगे। मेरी जो पत्नी है वो दिल्ली की रहने वाली है, पंजाबी फैमिली है उनकी। उनकी जो दादी की कजिन थी वो डॉक्टर सुशीला नैयर थी, जो गांधी जी की फैमिली डॉक्टर थी, बाद में हेल्थ मिनिस्टर भी बनी वो। तो मेरी पत्नी उनसे प्रभावित थी और हम दोनों दिल्ली में मिले और हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग शादी करके किसी आदिवासी इलाके में जाकर रहेंगे और वहां सेवा का काम करेंगे। तो अपनी शादी के 20 दिन के बाद मैं और मेरी पत्नी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के एक अंदरूनी गांव में जाकर हमने रहना शुरू किया और हम लोग वहां 18 साल रहे। इस बीच भारत में एलपीजी, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नई पॉलिसीज आ रही थी, वो आई, और उसमें जो अमीर देशों की कैपिटल थी, बड़ी कंपनियां थी, मल्टीनेशनल कंपनियां, वो गरीब देशों की तरफ दौड़ रही थी। सरकारों से कहा जा रहा था कि आप अपने कानून हटा लीजिए, विदेशी पूंजी को रोकने वाले, विदेशी कंपनियों को रोकने वाले कानून हटा दीजिए और बड़ी कंपनियों को आने दीजिए, उनके लिए जो प्राकृतिक संसाधन हैं
उसको लूटने के लिए ये कंपनियां पिछड़े हुए थोड़े गरीब देशों की तरफ जा रही थी, जैसे लैटिन अमेरिकी देशों की तरफ, अफ्रीका की तरफ, फिलीपींस या फिर साउथ एशिया की तरफ। तो ये कंपनियां आ रही थी और इन लोगों ने आकर के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना शुरू किया, खदानों पर, समुद्र तटों पर, नदियों पर, पहाड़ों पर। और भारत में भी इन लोगों ने ये काम शुरू किया और आदिवासी इलाकों में ये लोग पहुंच गए। 2005 में भाजपा सरकार थी छत्तीसगढ़ में, उसने आदिवासियों की जमीनों को हड़पने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू किया जिसका नाम सलवा जुड़ूम था, और उसमें वहां 650 गांवों को जलाया गया, हजारों आदिवासियों की हत्या करी गई, बहुत बड़ी तादाद में महिलाओं के साथ बलात्कार किए सुरक्षा बलों ने, और हजारों आदिवासियों को, निर्दोष आदिवासियों को जेलों में ठूंस दिया गया, बहुत प्रताड़ना उनको जेलों में दी गई। तो ये सब जब हुआ तो हमने ये सारे मामले मीडिया में उठाए, सरकार के सामने उठाए, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ फिर हम अदालत गए और अदालत में हम लोगों ने मुकदमे दायर किए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और इस पूरे अभियान को गैर संवैधानिक घोषित किया और उसे रोकने का निर्देश दिया। और जैसा आप जानते हैं कि फिर सरकार ने चिढ़ करके हमारा जो 18 साल पुराना आश्रम था, जहां किसानों की ट्रेनिंग होती थी, महिलाओं की ट्रेनिंग होती थी, उस आश्रम के ऊपर बुलडोजर चला दिया, 5 बार मेरी हत्या की कोशिश करी, और जिस रात फाइनली मुझे मारा जाना था उस रात मैं छत्तीसगढ़ से निकला, 10 साल बाहर रहा, और पिछले दिसंबर में मैं फिर 10 साल बाद छत्तीसगढ़ गया, 9 महीना फिर से वहां दंतेवाड़ा में रहा मैं, और अभी अगस्त से वापस हिमाचल आ गया हूं और फिर जाऊंगा। आपकी आवाज मैं ये पूछ रहा हूँ जी, कि 2005 को आप बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट एक मार्क मान रहे हैं, जब एक सलवा जुडूम नाम की एक गैर लोकतांत्रिक और आप कहिए कि जो सिविल सोसाइटीज के जो आदर्श हैं उससे बिल्कुल ही विपरीत एक हत्या और हिंसा फैलाने के लिए एक संगठन बनाया गया। तो क्या उससे पहले चीजें बेहतर थी या ये 2005 एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है? क्योंकि विस्थापन जो आदिवासियों का है, अगर थोड़ी बहुत जानकारी ये है हमारे पास कि ये आजादी के बाद से ही ये दौर शुरू हो गया था, तो 2005 क्या रियली में कोई बहुत बड़ा मार्क था? आदिवासियों का जो विस्थापन है वो विकास परियोजनाओं के नाम पर होता रहा है, आपने ठीक कहा है, आजादी से पहले से ही होता रहा है, आजादी के बाद भी हुआ और वो साइलेंटली होता रहा, संघर्ष भी होते रहे, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में होता रहा, कहीं डैम बनाने के लिए, कहीं हाईवे बनाने के लिए इस तरह के विस्थापन हो रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो सलवा जुड़ूम था वो बिल्कुल एक नए तरह की परिघटना थी। इसमें राज्य ने गुंडों को इकट्ठा करके उन्हें सरकारी राइफलें देके उनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर का नाम दिया, उनको सैलरी दी और उनके द्वारा आदिवासियों के गांवों में, उनको घरों में आग लगाना, उनकी हत्या करना, महिलाओं से बलात्कार करना, ये सब शुरू करवाया। ये बिल्कुल एक नए तरह का प्रयोग था। हालांकि इससे पहले नॉर्थ ईस्ट में आदिवासियों को उजाड़ करके बाहर ला करके थाने के आसपास उनको बसाना, ये काम हो चुका था पहले, और इसको स्ट्रेटेजिक हेमलेटिंग कहा जाता है। ये बाकायदा एक तरीका है कि दुश्मन के इलाके में जो समाज गांव है उसको ऐसी जगह ले आओ जहां पर आपका शत्रु उनसे मिल ना सके और आप उनके ऊपर निगरानी रख सकें।
तो आदिवासियों को भी इसी योजना के तहत उनके मूल गांवों से उजाड़ा गया और उन्हें सरकारी देखरेख में थाने के आसपास बसाया गया, जिसको सलवा जुड़ुम राहत शिविर कहा गया था। ये स्ट्रेटेजिक हेमलेटिंग थी, लेकिन जिस जितने आदिवासियों को उजाड़ा गया उनकी संख्या करीब 7 लाख थी, और सलवा जुड़ुम ये जो राहत शिविर थे सरकारी, इसमें सिर्फ 55-56 हजार आदिवासी ही लाए गए थे। बाकी के आदिवासी जो थे वो या तो जंगलों में छिप गए थे या फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के जो बॉर्डर एरियाज हैं उसमें माइग्रेट कर गए थे। तो बड़े पैमाने पर आदिवासियों को उनके गांव से उजाड़ा गया था ताकि इन जमीनों को बड़े कॉरपोरेट्स को दिया जा सके। सर, आपका बहुत सारा इंटरव्यू भी हिंदू में और दीगर अखबार में छपा हुआ था, उसमें ये बात आ रही थी कि 100 से ज्यादा केसेस में आपको मतलब नामजद किया गया है, और आपका खुद का एक बयान है कि मुझे इस बात का खतरा है कि मेरे मेरे कदम रखते ही, मतलब छत्तीसगढ़ में कदम रखते ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वहां पे नई सरकार आ गई है, तो क्या ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को कुछ राहत मिल रही है, या उनका रुख भी पहले की सरकारों की तरह है? असल में जो पिछली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, वो मुझसे बहुत घबराई हुई थी और वो नहीं चाहती थी कि मैं छत्तीसगढ़ में वापस आऊं। और मुझे बहुत सारे सरकारी अधिकारी जो मेरे मित्र हैं वो भी कहते थे कि आपसे ये मुख्यमंत्री और सरकार बहुत डरती है और आपके वापस आने पर आपको जेल में डालेंगे या हत्या भी कर सकते हैं, तो अभी आप मत आइए, आप बाहर रहकर बस्तर के बारे में जो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उससे यहाँ हमें सहयोग मिल रहा है काम करने में, आदिवासियों को भी फायदा हो रहा है आपके लिखने बोलने से, तो मैं नहीं जा रहा था। और मुझे ये भी खबर मिल रही थी कि आपके खिलाफ बहुत सारे मामलों में चार्जशीट में वो नाम डाल देते हैं, और वहां एक तरीका होता है कि पुलिस किसी भी नक्सली वारदात में किसी का भी नाम लिख देती है और उसको फरार दिखा देती है, और उसको पुलिस अपना वारंट निकाल देती है जिसको स्थाई वारंट कहा जाता है। तो मुझे ये बताया गया था हमारे बहुत सारे मित्रों के द्वारा कि आपके खिलाफ बहुत सारे इस तरह के स्थाई वारंट पुलिस ने निकाल रखे हैं। ये अदालत की तरफ से वारंट नहीं होते हैं, पुलिस के अपने वारंट होते हैं। तो वो 100 के करीब थे, लेकिन जब सरकार बदलने लगी और ये होने लगा कि ये सरकार जा सकती है, हम लोगों ने आरटीआई लगाई और उसमें पूछा, पीयूसीएल के हमारे साथी हैं जिन्होंने आरटीआई लगाई, और उन्होंने पूछा कि हिमांशु कुमार के खिलाफ कितनी कितने वारंट हैं। तब सरकार ने जवाब में लिखा कि कोई उनके खिलाफ वारंट नहीं है। तो चूंकि अदालती वारंट नहीं था, इसलिए सरकार ने अपने जो पुलिस के वारंट थे वो रफा दफा कर दिए, और मैं गया और जा करके 9 महीने रहकर आया, और उनका पुलिस का अब चूंकि शासन बदल गया है और भाजपा की सरकार चली गई है, तो मैं जाकर रहकर आया, और चूंकि सब जानते हैं कि मेरे खिलाफ जो भी मामले उस वक्त बनाए गए थे, यहाँ तक कि अदालत में उस वक्त जब स्वामी अग्निवेश बयान देने गए थे ताड़मेटला वाले कांड में, जिसमें स्वामी अग्निवेश पर एसपीओज ने, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स ने हमला किया था, उस मामले में भी जब अदालत में सरकारी वकील ने स्वामी अग्निवेश से पूछा था कि आपको कैसे पता चला कि ताड़मेटला में पुलिस ने आदिवासियों के घरों को जलाया है, तो स्वामी अग्निवेश ने जवाब दिया कि मुझे मेरे मित्र हिमांशु कुमार ने ये सूचना दी थी। तो सरकारी वकील ने जज के सामने कहा कि वो तो एक भगोड़ा है, उसके खिलाफ यहाँ वारंट है। तो स्वामी अग्निवेश ने कहा कि भाई वारंट है तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं आप लोग, वो कोई छुपे हुए तो है नहीं। तो
सरकार कहती थी कि मेरे खिलाफ वारंट है, लेकिन जब आरटीआई में पूछा गया तो वो मुकर गए, और अभी भी मैंने जाकर पूछा कि भाई कोई वारंट है तो मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन अभी मैं 9 महीना वहां रहकर गया और किसी ने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। इस बीच अलबत्ता सोनी सोरी पर एक बार हमले की कोशिश हुई, जिसको लेकर के मैंने फेसबुक पर लिखा तो मुझे नोटिस दिया पुलिस ने और कहा कि आपने ये लिखा है, जवाब देने आइए। तो मैं और सोनी सोरी गए वहां, डीएसपी से मिले और हमने लिखित में जवाब जमा किया। हमने कहा कि भाई सोनी सोरी के ऊपर पहले भी हमले हो चुके हैं, जिसमें थाने में उनके गुप्तांगों में पत्थर भर दिए गए थे और दोबारा उनके ऊपर एसिड अटैक किया गया था, तो इनके ऊपर पहले भी पुलिस के द्वारा हमले किए गए और ये तीसरी बार उनको डराने की कोशिश करी गई है। तो हमने जवाब लिख के दिया, तो मैं वहां के एसपी से मिला, थाने में गया, मेरे खिलाफ किसी मेरे नाम पर किसी ने एक फेसबुक पेज बना लिया था, मैंने जाकर के वो एफआईआर कराई थाने में। तो मैं वहां पुलिस विभाग के लगातार संपर्क में रहा, लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि मेरे खिलाफ कोई वारंट है या मुझे गिरफ्तार किया जाना है या मैं मुझे वो ढूंढ रहे हैं। तो खाली मुझे लगता है डराने के लिए इस तरह की हवा बनाई गई थी। और तो सर आपका जो आश्रम है वो आश्रम जो पुराना आश्रम था क्या वो फिर से काम करना शुरू कर दिया या अभी उसमें बाकी है, उसमें वो जो पुरानी स्थिति थी वो आपने वो हासिल कर ली? नहीं, वो तो डिमोलिश कर दिया था उस वक्त भाजपा सरकार ने, और जो कार्यकर्ता थे उनको कुछ को जेल में डाल दिया था, कुछ को फर्जी केसों में फंसा लिया था, तो सभी कार्यकर्ता या तो घर बैठ गए थे या दूसरे संगठनों में काम करने लगे थे, तो वो संस्था तो अभी दोबारा शुरू नहीं हो पाई है। मैं गया था और अब हालात बदल चुके हैं, तो अब उस तरीके से पहले जैसा संगठन को खड़ा करना वो मुझे बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि तो आगे की रणनीति क्या होगी सर, आगे की रणनीति आपका जी आपकी आपकी रणनीति जी जी अब जो वहां मामले हो रहे हैं उसको हम लोग, हमारी नजर है उस पर, और अदालतों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासियों के साथ जो फर्जी मुठभेड़े हैं या उनको फर्जी केसों में फंसाकर जेलों में डाला जा रहा है, या जो आदिवासी पहले से जेलों में बंद हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, फर्जी मामले उन पर हैं, उनको लीगल एड दी जाए, उनको कानूनी सहायता दी जाए, तो वो हम लोग वहां पर कर रहे हैं, और हमारे कुछ मित्रों के संगठन हैं जो इस काम में मदद कर रहे हैं, और लीगल एड का काम वहां चल रहा है। सोनी सोरी, लिंगा कोड़ोपी हमारे साथी हैं, वो लोग किसी भी इस तरह के मामले में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, अदालतों में मामलों को ले जा रहे हैं, मैं उनसे लगातार संपर्क में हूं, और अभी कोरोना के कारण थोड़ा मुझे इधर आना पड़ा, ये कुछ कम हो जाए तो फिर वापस जाकर मैं आदिवासियों के बीच में रहना शुरू कर दूंगा। अच्छा सर, दो 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 विचारधारा है, दो अलग अलग व्यूज हैं, जो हमारे लेफ्ट के हमारे साथी हैं वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था पे या जो इकोनॉमिक पॉलिसीज पे सरकार बदल भी जाए तो जो देश का जो बुर्जुआ लोकतंत्र है उसमें पॉलिसीज एक ही रहती है, और कुछ दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये आपका अतिवाद है, एक सरकार से दूसरी सरकार थोड़ी सी अलग जरूर होती है। तो आप क्या मानते हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में सरकार बदल जाने से जो जुल्म सितम जो है उसकी डिग्री में कुछ कमी आ जाती है, रुक जाती है, या वो चीजें बदस्तूर जारी रहती है? आपकी दोनों बातें आंशिक रूप से सही हैं। एक तो ये जो बुर्जुआ लोकतंत्र है इसमें सरकारों के बदलने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितनी भी हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां हैं उन सब की आर्थिक नीतियां, आर्थिक सोच, आर्थिक मॉडल एक ही है। सभी ये मानते हैं कि देश का जो आर्थिक विकास है वो बड़ी बड़ी कंपनियां, पूंजीपति, उद्योगपति
ये करेंगे, और इनको जमीनें देनी चाहिए सरकार को, इनको लाइसेंस देने चाहिए, इनको मजदूरों के पक्ष में जो कानून है उनमें ढिलाई दी जानी चाहिए, ताकि ये लोग आराम से अपना कामकाज बढ़ा सके, क्योंकि उसी से आर्थिक तरक्की होगी, उसी से लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सभी पार्टियां ऐसा सोचती हैं, और उसी के कारण जब आप उद्योगपतियों को जमीन देना चाहते हैं लोग विरोध करते हैं, तो उनके ऊपर पुलिस और सरकार हमला करती है, बंदूक का सहारा लेती है, जमीनें छीनती है, जो विरोध करते हैं उनको जेलों में डालती है। तो ये फिर सभी पार्टियां करती हैं, और हम देख चुके हैं यूपी में, चाहे मायावती का शासन रहा हो, उनके यहाँ भी भट्टा पारसौल, आपको मालूम होगा नोएडा के पास, वहां भी गांव वालों के घर जलाए गए थे, वहां भी राहुल गांधी को छिपकर जाना पड़ा था गांव वालों से मिलने, और जिनके घर जलाए गए थे वो तो CIFSF के लोग थे, फोर्स के लोग थे। तो किसानों के घर जलाना ये फिर इसी पॉलिसी में से निकलता है। लेकिन ये भी बात सच है कि सरकारें बदलने से डिग्री में फर्क आता है थोड़ा। अब जैसे जो भाजपा के समय में जितना दमन और भय का माहौल था, अभी सरकार बदलने से उसमें कमी आई है, सामाजिक कार्यकर्ता आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं, बोल सकते हैं। उस वक्त तो आपको याद होगा नंदिनी सुंदर और अर्चना प्रसाद और संजय पराते और ये तिवारी, सबके ऊपर FIR कर दी गई थी, जबकि ये सिर्फ आदिवासियों से मिलने गए थे, और किस तरीके से सोनी सोरी के मुंह पर एसिड फेंक दिया गया था, किस तरीके से वहां सामाजिक कार्यकर्ताओं को, बेला भाटिया को किस तरह से निकालने की कोशिश करी गई थी, राहुल गांधी को उसमें बीच में आना पड़ा था। तो डिग्री में तो फर्क आया है, लेकिन पूरी तरीके से आदिवासी अब निर्भय हो गए हों, उन पर पुलिस की जो फर्जी मुठभेड़े और निर्दोष आदिवासियों को जेलों में डालना वो बंद हो गया हो, ये भी नहीं हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो आपके सच है कि जब तक आर्थिक नीतियां नहीं बदलेंगी, जब तक हम ये नहीं मानना छोड़ेंगे कि बड़ी कंपनियों को जमीनें सौंप दो, इनको बैंकों का पैसा दे दो, इनके लिए सारे कानूनों में ढील दे दो, मजदूर के हितों को खत्म कर दो, तो बड़ा विकास हो जाएगा देश का, जब तक हमारी राजनीतिक पार्टियां ऐसा सोचना नहीं छोड़ेंगी, तब तक गवर्नेंस, पुलिस, मानवाधिकार, इनकी हालत नहीं सुधरेगी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब हम लोगों के कैंप से दूर हैं, और उनको ये लगता है कि चाहे अरुंधति राय हो, चाहे हिमांशु कुमार जी हो, ये लोग क्या है, विकास के क्षेत्र में लोग रोड़ा है, पत्थर है। सरकार, अगर सरकार को सैलरी देनी है, सरकार को देश को अगर चलानी है, और सरकार को अगर तरक्की करनी है, तो उनको उसी इलाके से जो खनन का जो सामान है या जो माइनिंग से, उसको तो करना ही पड़ेगा। ये लोग जाते हैं एनजीओ की तरफ से जाते हैं, एनजीओ को जो जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो एनजीओ को सामने करते, इन लोगों को सामने करते हैं, देश को तरक्की के रास्ते से पीछे खींचते हैं। उन लोगों को भी थोड़ा आप जरा अपना पक्ष रखिए, क्योंकि इस तरह की सोच हम लोगों के ऊपर भी इस तरह की मतलब सवाल हमारे ऊपर भी थोपा जाता है, और कहा जाता है आप सब लोग देश विरोधी हैं, आप मोबाइल मत इस्तेमाल कीजिए, कार पे मत चलिए, आप जंगल में जाकर रहिए, जंगल में तो विकास होगा, और विकास होगा तो पहाड़ खोदे जाएंगे, क्या दिक्कत है आप लोगों को? देखिए, पहली बात तो ये कि जहां पर हम लोग नहीं है, मानवाधिकार कार्यकर्ता नहीं है, या जहां पर विरोध नहीं कर रहे हैं लोग अपनी जमीनें छीनने का, सरकार वहां विकास करके दिखा दे। सरकार ने कहीं ऐसा विकास किया हो तो बता दे कि जहां अरुंधति रॉय या हिमांशु कुमार या दूसरे जो लोग हैं उन्होंने रोड़े नहीं अटकाए हैं, वहां का विकास हो गया है, सरकार ऐसा दिखा दे। आज तो सारे देश में जो किसान है वो परेशान है, उसकी जमीन पर खतरा आ गया है, उसके जीवन आजीविका पर खतरा आ गया है, जो मजदूर है उसके हितों के जो कानून थे आज 8 घंटे की बजाय 12 घंटे का
शिफ्ट बना दी गई है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा उसको। आदिवासियों की जमीन पहले छीनी जा रही थी, लेकिन अब तो पूरे देश के किसानों की जमीन पर खतरा मंडरा रहा है। तो विकास की बजाय आप चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों का तिजोरी भर रहे हैं और उसको कहें कि हम तो साहब देश का विकास कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था मैं सत्ता में आऊंगा तो 2 करोड़ रोजगार दूंगा, क्यों नहीं दिए? किसने रोका उनको? कौन सा उद्योग लोगों ने बंद करा दिया जिसकी वजह से वो उद्योग नहीं दे पाए, 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए? तो ये असल में तो जो पूंजीवाद है, आजकल कहा यह जा रहा है कि नौकरी लेते हो शर्म नहीं आती है, खुद से नौकरी पैदा करो, और दूसरी बात ये कहते हैं कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है आबादी तो कहां से सरकार नौकरी देगी। देखिए ये भी बात सुनने को मिल रही है। देखिए पॉपुलेशन जो है, एक मुंह, एक बच्चा पैदा होता है तो एक मुंह होता है और 2 हाथ होते हैं। अगर दोनों हाथों को काम दे दिया जाए तो मुंह भूखा नहीं रहेगा। सवाल यह है कि जो सरकारें हैं वो उद्योगपतियों को जब जमीनें देती हैं, बैंक का पैसा देती हैं जो गरीबों का पैसा है, तब उनके सामने ये शर्त नहीं रखती कि आपको हमने इस देश के इतने संसाधन दिए, बदले में आपको इतने रोजगार देने पड़ेंगे। सरकार ऐसी कोई शर्त नहीं रखती उद्योगपतियों के सामने। अब उद्योगपति क्या करता है, वो तो मुनाफा बढ़ाना है उसको, तो वो तो लालची है, तो वो उद्योगों को वो रोजगार को कम करता जाता है, वो मशीनें बढ़ाता जाता है, क्योंकि मशीन जो है वो तो मजदूरी नहीं मांगती, मशीनें बढ़ाता जाएगा, रोजगार को कम करता जाएगा, और एक स्थिति ये आ जाती है कि उस उद्योग में आप देखें, अगर पिछले 10 सालों में भारत के ज्यादातर उद्योगपतियों ने रोजगार घटाए हैं और उसी अनुपात में उनका मुनाफा बढ़ा है, तो इसको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। उद्योगों ने जॉबलेस ग्रोथ करी। अब उसका असर क्या होता है कि जब आप जॉब घटा देते हैं तो लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो जाती है। अब बाजार में लोगों के पास जॉब नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो सामान नहीं खरीदेंगे। सामान नहीं खरीदेंगे तो उद्योगों का माल बिकना बंद हो जाएगा, माल बिकना बंद हो जाएगा तो वो उद्योग बंद होने लगेंगे। भारत इसी दुष्चक्र में फंस गया है। उद्योगपतियों ने अपने लालच की वजह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, और मोदी जी ने और उसमें ज्यादा बुरी हालत पैदा करी। उन्होंने, अच्छा, जब ये उद्योगों का माल बिकना बंद हुआ तो इन्होंने बैंकों का पैसा देना बंद कर दिया, तो इस संकट से निकलने के लिए मोदी जी ने भारतीय रिजर्व बैंक से 175,000 करोड़ रुपया रिजर्व में से निकलवाया। अब उस पैसे को इन्हें गरीबों को दे देना चाहिए था, गरीबों के खाते में डाल देते। वो ये कांग्रेस ने वादा भी किया था कि हम 6,000 रुपया महीना देंगे हर गरीब परिवार को, तो वो पैसा अगर गरीबों को दिया जाता तो गरीब उस पैसे को बाजार में लेकर जाता और उससे वो सामान खरीदता, और सामान खरीदता तो उद्योगों की मांग बढ़ती तो उद्योग और उत्पादन करते और लोगों को रोजगार मिल जाता और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का पहिया चल जाता। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, उस पैसे को कॉरपोरेट्स में बांट दिया, बड़े उद्योगपतियों को बांट दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो कीमती प्रोडक्ट थे, जैसे कोई कार बेच रहा है, कोई फ्रिज बेच रहा है, एसी बेच रहा है, उसमें किसी में 1,000 रुपया, किसी में 5,000 रुपया डिस्काउंट दे दिया। अब बाजार में लोगों के पास पैसा ही नहीं है और जॉब नहीं है, तो वो डिस्काउंट होने से भी सामान नहीं खरीदेंगे, और इस तरह से 175,000 करोड़ रुपया बड़े बड़े कॉरपोरेट्स खा गए। जबकि उस पैसे को अगर गरीब को दिया जाता तो भारत की अर्थव्यवस्था उबर सकती थी। तो ये जो इनकी पॉलिसीज हैं लूट मार वाली,
उसकी वजह से भारत का विकास अवरुद्ध हो रहा है और ये लोग जिम्मेदार हमको बताते हैं कि हमने विकास रोका हुआ है। हम तो इंसानी जो अधिकार है, जो संविधान है, जो कानून है, लोकतंत्र है, उसकी बात करते हैं कि भाई ये आप क्या कर रहे हो कि संविधान कहता है कि हर इंसान बराबर है, लेकिन आप हजारों लोगों की जमीनें छीनकर उनको बेजमीन बना देते हैं, उनको गरीब बना देते हैं, वो भूखे मरते हैं, वो मर जाते हैं, आप जेनोसाइड कर रहे हो, और किसके लिए? एक अमीर उद्योगपति के लिए, उसकी तिजोरी भरने के लिए। तो ये किस तरह का विकास है? हम लोग ये मुद्दे उठाते हैं तो हमको कहा जाता है कि ये विकास को रोक रहे हैं। सर, आप आदिवासी इलाकों में अगर कहा जाए तो आपने अपनी पूरी जिंदगी, या कहिए कि बड़ा हिस्सा अपनी जिंदगी का आपने वहां पे मतलब गुजार दिया, और आदिवासी लोगों के बारे में आप देखेंगे सोशियोलॉजी में भी बहुत सारी विचारधाराएं हैं, कोई उनको समझता है कि वो बहुत ही एग्जोटिक कम्युनिटीज हैं, तो आप उनके साथ अपना जीवन बिताए हुए हैं, तो कुछ उस अनुभव को बताइए। और ये देखिए कि भारत जैसे लोकतंत्र जो अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कह रहा है, 70 साल के बाद एक भी जर्नलिस्ट आपको किसी बड़े अखबार में कोई आदिवासी नहीं मिले, कम से कम एडिटोरियल पोस्ट पे, शायद सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आदिवासी नहीं है, और भी बड़े बड़े जो 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 भी जहां से बड़े बड़े डिसीजन फैसले लिए जाते हैं, नीति आयोग है या जो भी है, या जो MP आपको आदिवासी समाज के साथ जीत के आते भी हैं, वो भी पार्टी के व्हिप से उनकी इतनी मतलब पिटाई होती है या उनको इतना डरा के रखा जाता है कि वो भी अपनी जबान नहीं खोल पाते, तो थोड़ा आदिवासी समाज के बारे में आप जरा सोशियोलॉजिकली उनके बारे में बताइए और क्या क्या समस्याएं हैं। देखिए, जो आदिवासी समाज है वो बहुत ही जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक और सोशियोलॉजिकली बहुत डेवलप्ड सोसाइटीज हैं। मुझे याद है हम लोग आदिवासियों के बीच में जब रहते थे तो वहां जैसे आम की फसल आएगी तो वो फसल पूरी कम्युनिटी की है और कोई किसी भी पेड़ का आम खा सकता है, कोई मलकियत नहीं है किसी की पूरे जंगल पर। इसी तरीके से जब फसल कट जाती है, धान की फसल लेते हैं वो लोग, उसके बाद सब अपनी गायों को छोड़ देते हैं और गाय बकरी पूरे जंगल पर किसी भी खेत में वो घूम सकते हैं, अपना खा सकते हैं, और उसी के आधार पर उनका पूरा जीवन चल रहा है। मुर्गी है, बकरी है, गाय है, सारी जमीनें कम्युनिटी की हैं, सारा जंगल कम्युनिटी का है। अगर कोई विकलांग है या कोई बूढ़ा है और अगर शिकार करके लाया है गांव, तो सारा सबके बराबर हिस्से लगेंगे, विकलांग को भी उतना ही मिलेगा, बूढ़े को भी उतना ही मिलेगा, कोई विधवा है जो शिकार पर नहीं जा पाई है उसको भी उतना ही मांस का हिस्सा मिलेगा। तो इस तरीके से उनका पूरा समुदाय है, ऐसा नहीं है कि वहां विकलांग भूखा मर जाएगा या कोई बूढ़ा है उसको देखा नहीं जाएगा या कोई विधवा है उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो बहुत ही विकसित समाज है। और मुझे याद है हम लोग जब नए नए वहां गए थे और हम बाहर से सीख कर गए थे विकास, बैंक से लोन ले लो, कोई धंधा शुरू करो, विकास करो, और मैं देखता था कि आदिवासी हमारी बात नहीं सुनते थे, तो हम बड़े परेशान हुए कि ये तो सुनते ही नहीं है। फिर जब हमने बहुत उनसे जिद करी कि आप अपना विकास क्यों नहीं करना चाहते, तो उन्होंने कहा हमारा बैर हो जाएगा, हमारी दुश्मनी हो जाएगी कम्युनिटी में दूसरे लोगों से। और उन्होंने मुझे समझाया कि अगर सिर्फ हम अमीर बनेंगे और बाकी लोग ऐसे ही रहेंगे तो वो हमें दुश्मन की तरह देखेंगे, इसलिए हमें तो समुदाय के साथ रहना है। अगर सब ऐसे ही रह रहे हैं, सब एक लुंगी पहनते हैं, मिट्टी के घर में रहते हैं, हमको भी ऐसे ही रहना है, हमको पक्का घर नहीं बनाना, हमको कार नहीं खरीदनी, हमको अमीर नहीं बनना है, हमको ऐसे ही सबके जैसा रहना है। तो ये जो एक सामुदायिकता, एक समाजवाद वहां पर था, वो सीखने लायक चीज है। हमें तो ये सिखाया गया है ना कि कंपटीशन करो,
अपने भाई से भी कंपटीशन करो, अपने दोस्त से कंपटीशन करो, सबको पीछे छोड़ दो, सबसे आगे निकल जाओ, ज्यादा से ज्यादा पर कब्जा कर लो। तुम तभी विकसित हो जब तुम्हारे पास सबसे ज्यादा होगा। और इसी कंपटीशन के कारण आज समाज में आपाधापी, लूटपाट, छीन झपट, हिंसा, ये सब है। तो आदिवासी समाज तो जिसको कहते हैं ना, बहुत पहुंचा हुआ समाज है। जहां हम आज से कई सौ साल बाद पहुंचेंगे, जो हमारे बुद्धिमान लोगों ने समझाया है, जो हमारे पीरों फकीरों ने समझाया है, ऋषि मुनियों ने समझाया है, संतोष करो, सादगी से रहो, प्रकृति का ख्याल रखो, अपने उपभोग को कम से कम करो, ये जब हम पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि आदिवासी पहले से वहां पहुंचा हुआ है। आदिवासी वैसी आध्यात्मिक, इकोलॉजिकल फ्रेंडली, सामाजिक रूप से विकसित तौर तरीके से पहले से रह रहा है। तो हमारा जो सो कॉल्ड आधुनिक समाज है, इसे आदिवासी से सीखने की जरूरत है, आदिवासी को सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हम अपने घमंड में सोचते हैं कि आदिवासी पिछड़ा हुआ है, इसको हम ज्ञान देंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि हम खुद ही अंधेरे में भटके हुए लोग हैं। हम आदिवासी से सीखने की बजाय उसे सिखाने का दंभ भरते हैं। सर, पॉलिसी मेकर, मान लीजिए सरकार और पुलिस तो आपकी बात सुनती नहीं है, आपको दुश्मन समझती है विकास का, लेकिन अगर मान लीजिए, ख्याल कीजिए कि एक ऐसा दिन आए जब वो सब कुछ अपना सब कुछ करके थक जाएं और तब आपके पास आए और कहें कि हिमांशु तुम सही कह रहे थे, तुम बताओ क्या क्या हमें करना है आदिवासी समाज के लिए, हम तो सब थक गए, लोहा और खनिज बेच के कुछ न हासिल नहीं हुआ हमें, तो आप क्या सरकार को, जो मतलब ज्ञानी लोग जो बैठे हुए हैं, पावरफुल लोग जो बैठे हुए हैं लुटियन दिल्ली में जी, जो समझते हैं कि सब कुछ उन्हीं के पास, उनको क्या, आप अगर हमारी बात अगर सुन पा रहे हो, मुझे पता नहीं कि वहां तक हमारी बात पहुंच पाएगी, लेकिन क्या सलाह देना चाहेंगे आदिवासी के हवाले से, आपकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए जो जो हमारे भाग्य विधाता है? देखिए, मैं तो शुरू से कहता हूं कि सबसे पहली बात तो ये कि आप ये मानना छोड़ दीजिए कि गरीबी कोई समस्या है, समस्या अमीरी है। तो पहले तो ये जो आप चंद मुट्ठी भर लोगों को अमीर बनाने की जुगत में लगे रहते हैं और उसके लिए आप लोगों की जमीनें छीनते हैं, उनको सौंप देते हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, उनको कम से कम मजदूरी देकर उनकी श्रम को लूटने की में जो मदद करते हैं, ये बंद कर दीजिए। आप लोगों को कहिए कि वो सादगी से कैसे रह सकते हैं, कम से कम जरूरत में कैसे रह सकते हैं। हमको चांद तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, हमको अपनी दुनिया को ही कैसे बेहतर बनाए उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए बहुत ज्यादा इकट्ठा करना, हमारे पास बहुत बड़े बड़े बंगले हों, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, हम ज्यादा से ज्यादा जमीन के नीचे से खनिज खोदें, पेट्रोलियम खोदें, इस जीवन की बजाय अगर हम कैसे प्रकृति के साथ, जानवरों के साथ, आसपास के लोगों के साथ कैसे प्रेम से रह सके, सादगी से रहें, हमें कितना चाहिए, हमें कितने कपड़े चाहिए, कितना छोटा सा मकान चाहिए, कितना, एक साइकिल से भी हम आसपास रह सकते हैं, हम उस तरीके का जीवन अगर जिएंगे तब तो ये दुनिया बचेगी। अदरवाइज, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी सनक नहीं है, हमारे जो सोशियोलॉजी वाले लोग हैं, हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, वो कह चुके हैं कि आज का जो मानव का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो वो चाहता है कि मैं इस तरीके से रहूं अमेरिका के इंसान की तरह, उसके लिए हमें 5 पृथ्वी चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी के पास इतने रिसोर्सेस है ही नहीं कि हम अमेरिका के इंसान की लेवल पर जी सकें। और अगर हम वैसी कोशिश करेंगे तो 2 चीजें होंगी, एक तो युद्ध होगा,
इसमें बहुत बड़ी आबादी की हम हत्या कर देंगे, अन्यथा ये पृथ्वी बंजर हो जाएगी, खनिज खत्म हो जाएंगे, जमीनें बंजर हो जाएंगी, नदियां सूख जाएंगी, मछली मर जाएगी, फसल पैदा होनी बंद हो जाएगी और इंसानी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। इसलिए ये अगर इंसानी सभ्यता को बचाना है तो हमें आदिवासियों की तरह सादगी से कम छोटा मकान, कम खर्चा, कम कपड़े, बहुत ज्यादा इधर उधर दौड़ना बड़ी बड़ी बुलेट ट्रेन में और हवाई जहाजों में बंद करना पड़ेगा। याद रखिए गांधी ने क्या कहा था, मेरी जरूरतें 5 गांव से पूरी होनी चाहिए, मेरा खाना, मेरा मकान, मेरा कपड़ा, इसी को उन्होंने स्वदेशी कहा था। स्वदेशी का मतलब ये नहीं है कि बंबई में बड़ी बड़ी मिलें चलेंगी और वो मेरे लिए कपड़ा बनाएंगी और उसको हम कहेंगे कि क्योंकि बंबई तो भारत में ही है इसलिए वो स्वदेशी है, वो स्वदेशी नहीं है। तो हम ऐसा जीवन जिए जिसमें कम से कम हिंसा हो, प्रकृति का कम से कम विनाश हो, समाज में कम से कम नफरत और हिंसा फैले। इस तरह के जीवन के बिना मनुष्य का जीवित रहना असंभव होगा। ये जो राजनीति है, ये जो विकास का मॉडल है, ये हमें पहुंचा देगी। और ये ज्यादा लंबा समय नहीं है आपके पास, ये आप 1 या 2 दशक में, 10-20 साल के अंदर आप देखेंगे कि आपका तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप जिंदा नहीं रहेंगे, फसल होनी बंद हो जाएगी, आपकी वाटर बॉडीज जितनी भी हैं, नदियां तालाब सूख जाएंगे, कुएं सूख जाएंगे, अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, आपका उपज होनी बंद हो जाएगी और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि मनुष्य जाति संकट में पड़ चुकी है। सर लेकिन हिमांशु सर, आपकी बात या गांधी जी की बात लोग नहीं समझ रहे इस देश में, इस देश में गोडसे की बात लोग समझ रहे हैं। और आजकल हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया पे गांधी जी की तस्वीर बना के, उनके अंदर खून डाल के, स्याही का खून बना के, और उसको लोग गोली मार रहे हैं और उसका वीडियो जो वायरल करा रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि ये देश अब गांधी के रास्ते पे नहीं चलेगा, ये गोडसे के रास्ते पे चलेगा। कभी पुल का नाम गोडसे पुल बन जाता है, कभी उनकी मूर्ति बन जाती है, फिर जो ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं उनको लगता है नहीं अभी गोडसे को चलाने का वक्त नहीं आएगा, तो आखिरी वक्त पे मुकर जाते और कहते नहीं हम लोग तो गांधीवादी ही है। तो ये जो गोडसे के ऊपर आपको लग रहा है कि गोडसे जो है वो गांधी के ऊपर आज के भारत में मतलब हावी हो गए हैं? मैं जब छोटा था तो मेरी माँ बताती है कि मैं बार बार लालटेन पकड़ने के लिए भागता था और मेरी माँ सारा काम छोड़कर मुझे पकड़ने आती थी कि मैं अपना हाथ जला लूंगा। तो मेरे पिताजी ने माँ को कहा कि इसको रोको मत, एक बार इसको अनुभव होने दो कि ये जो करने जा रहा है उसका नतीजा क्या होगा। और वही हुआ, मैंने जाकर गर्म लालटेन की कांच पर हाथ लगा दिया और मुझे गर्म लगा वो। और उसके बाद मेरी माँ कहती है कि घर में कोई भी आता था तो मैं उसको बोलता था कि इसको मत छूना, ये गर्म होता है। तो एक बार मनुष्य का अनुभव कर ले कि क्या होता है ये सब करने से। हालांकि उसके बाद वो बचेगी नहीं, लेकिन क्या करें। अब अगर नहीं आपको बुद्धिमानों की बात सुननी है, गांधी की बात नहीं सुननी है, पीरों फकीरों ने जो समझाया है कि भाई ज्यादा की हवस मत करो, सबर करो, संतोष करो, कम में गुजारा करो, सादगी से रहो, ये कोई ऐसा नहीं था कि वो लोग कोई सनकी लोग थे, वो जानते थे, वो अकलमंद लोग थे कि भाई ये हमारी जो पृथ्वी है इसके पास इतना है ही नहीं कि आपकी अय्याशी के लिए ये आपको देती जाएगी, इसकी एक लिमिट है, ये खत्म हो जाएगी। और आज आप देख रहे हैं कि पिछले 8-9 महीने से सारी दुनिया अपने घरों में कैद हो गई है, एक वायरस ने आपको घरों में घुसा दिया है। एक ऐसा वायरस आ सकता है कि मधुमक्खी मर जाए,
मधुमक्खी के मरते ही आपका परागण खत्म हो जाएगा, फसलें होनी बंद हो जाएंगी, और जैसे ही फसलें बंद हो जाएंगी इंसान मर जाएगा। तो इंसान की जो पूरी प्रजाति है वो तो बहुत कमजोर सी प्रजाति है ना। दुनिया में कितनी ही प्रजातियां नष्ट हो गई, इंसान का नष्ट होना कोई बहुत अनोखी और बड़ी घटना थोड़ी होगी। जैसे अन्य प्रजातियां नष्ट हुई हैं, इंसान भी खत्म हो सकता है। अब अगर इंसान आत्महत्या करने पर ही उतारू हो गया है तो फिर इसको कौन रोक सकता है? मारो गांधी को गोली, मारो फकीरों को गाली। जी, जी 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 सर, एक आखिरी सवाल बस, उसके बाद हम इसको वाइंड अप कर देंगे। हमारे बहुत सारे साथी, और आपके आपके तो और भी ज्यादा, क्योंकि आपका अनुभव मुझसे कितना ज्यादा है, जिनको झूठ के केसेस में उनके ऊपर खतरनाक से खतरनाक कानून उनके ऊपर थोप के उनको जेल के अंदर में डाल दिया गया है। चाहे सुधा भारद्वाज जी का मामला ले लीजिए, विद्वान आनंद तिल तुमड़े जी को ले लीजिए, या और लोगों को लीजिए, उमर खालिद को ले लीजिए, या अभी अभी खबर आ रही थी मीडिया में उनके घर वालों के पास भी उन्होंने ज्यादती की पुलिस वाले लोगों ने, फिर चाहे जफरुल इस्लाम खान को ले लीजिए जो माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन थे, उनको भी प्रताड़ित किया गया, उनको भी परेशान किया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सफूरा जरगर को ले लीजिए, मीरान हैदर को ले लीजिए, और बारा बारा राव को ले लीजिए, तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र को मजबूत करते थे। आज इनके ऊपर ये स्टेट इस तरह से दमनकारी हो गया है कि ये आज कई कई महीनों से, कई कई सालों से ये जेल के अंदर में बंद है, और सब लोग अपने अपने फील्ड के बहुत ही ब्राइट लोग हैं जिन्होंने कभी भी मजहब की संकीर्णता और फिर जात धर्म से ऊपर उठ के सबके लिए काम किया है, इनको जेल में देखते हुए दिल में काफी तकलीफ होता है। हम और आप क्या कर सकते हैं, क्या पैगाम दे सकते हैं? जी देखिए, हम लोग तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं और हम ये मानते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप में आप सिर्फ लोगों को विचार के द्वारा बदल सकते हैं, विचार ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो हम लोगों को बताते हैं कि जिन लोगों को जेल में डाला गया है वो उनको जेलों में इसलिए डाला गया है क्योंकि ये लोग सच बोल रहे थे, ये सरकार के गलत कामों का विरोध कर रहे थे और इनको जेलों में डालना गलत है। हम ये मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सच पहुंचने से वो सच अपना काम करेगा। जब भारत की जनता ये समझेगी कि जनता के पक्ष में आवाज उठाने वाले लोगों को इस आतंकवादी सत्ता ने जेलों में डाल दिया है, तो जनता इस आतंकवादी सत्ता का विरोध करेगी और कहेगी कि हमारे हितैषी इन सामाजिक कार्यकर्ताओं को रिहा करो, और ये लोग रिहा होंगे। इसके अलावा तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अदालतें इस आतंकवादी सत्ता के सामने घुटने टेक चुकी हैं। जो मानवाधिकार आयोग है या दूसरी बॉडीज हैं, इलेक्शन कमीशन है, संसद है, उन सबको बेअसर कर दिया गया है। तो हम इनसे भी कोई बहुत उम्मीद नहीं कर पा रहे, तो हमारी आखिरी उम्मीद देश की जनता है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। दोस्तों, आपने देखा कि हम आज एक ह्यूमन राइट्स के सिपाही से बात कर रहे थे जिनके ऊपर खुद एक के बाद एक हमला किया गया है, उनकी उनका जो आश्रम था उस तक को उजाड़ दिया गया, जो आदमी कानून का रास्ता और गांधी का रास्ता इख्तियार किया गया था उसके ऊपर हिंसा और दमन किया गया। हम यही चाहेंगे कि अब नया साल आ रहा है, नया साल में जो पुरानी जो बुरी चीजें थी वो खत्म हो जाए, और आपका जो आश्रम हो वो और भी बेहतर तरीके से, और जो आप आदिवासी के बीच में जो आप काम कर रहे थे, हम यही शुभकामना आप लोगों की तरफ से देंगे कि वो आपका काम पहले से भी अधिक तरीके से जोरों शोर से वो चले, और आप एक वंचित समाज के एक सिपाही और एक दोस्त के नाते आप काम करते रहें। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच हमको इसमें शामिल करने के लिए।